हेलो गाइस, तो क्या 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 हाल चाल है आपके। होप करता हूँ सब फैंटास्टिक होगा, धमलास्टिक भी। तो आज मैं एक और एक्साइटिंग टॉपिक लेकर आया हूँ उस पर बात करने के लिए। और आज हम बात करने वाले हैं यार, ये जो गेमिंग कल्चर है इन इंडिया, इसका क्या हो रहा है। मतलब अभी करंट सिचुएशन क्या है, आपको पता है कुछ अभी न्यूज़ आ रहे थे कि पबजी बैन होने वाला, पबजी पे संकट की निगाहें हैं। मैं उन सब चीज़ को क्लियर आउट आज करूँगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और शायद से ये वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर दे। क्योंकि अगर आप एक गेमिंग चैनल शुरू करना चाहते हो तो ये जो चीज़ें मैं बोलने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना, और अगर वीडियो पसंद आई और वीडियो में कुछ भी पसंद आया उसके लिए लाइक और सब्सक्राइब ठोक देना बस। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में। सॉरी, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फर्स्टली मेन, अभी सबसे पहली बात जो मैं आपको बोलना चाहूँगा वो है यार कि अभी करेंटली गेमिंग में क्या चल रहा है। देखो अभी सच बताऊँ तो कोई भी पेरेंट्स गेमिंग को सपोर्ट नहीं करते हैं। एज ऑलवेज मेरे भी पेरेंट्स वैसे ही गेमिंग को नहीं सपोर्ट करते। बट यार अभी मुझे अभी हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने यार अनाउंस किया है कि जो डिजिटल इंडिया है और इसमें हम और भी चेंजमेंट करने वाले हैं। और ये जो अरीना है ना टेक्नोलॉजी का, और देखो अगर टेक्नोलॉजी की बात हो रही है तो गेमिंग की बात कैसे नहीं होगी भाई। मतलब गेमिंग टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा पार्ट ले लेता है, क्योंकि गेमिंग ही टेक्नोलॉजी, मतलब बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है दोनों। तो अगर टेक्नोलॉजी की बात हो रही है तो गेमिंग की क्यों नहीं बात होगी। तो यार इसी चीज़ की वजह से यार इंडिया में अब गेमिंग कल्चर और ज़्यादा आने वाला है फ्यूचर में। क्योंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उन्होंने बोला है कि जो ई स्पोर्ट्स की गेमिंग जो कंपनीज होती है वो इन्वाइट करें इंडिया टू इन्वेस्टमेंट, जो भी उनका इन्वेस्टमेंट हो जाए, जो भी वो कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करते हैं गेमिंग को और बढ़ाने के लिए या और इनक्रेज करने के लिए, वो बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी गेमर्स हैं उनको तो फ़ायदा होगा ही है, और जो बनना चाहते हैं यार उनके लिए बहुत ही तगड़ी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। क्योंकि ये जो अरीना बन चुका है ना टेक्नोलॉजी का, उसमें गेमिंग आपको पता ही है बहुत बड़ा पार्ट निभाता है। और अब तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ही कह रहे हैं कि भाई गेमिंग एक बहुत ही बड़ा फैक्टर रखता है, और गेमिंग खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर सपोर्ट कर रहे हैं। तो इट्स कुल बी अ करियर, मींस अब शायद से ही आगे करियर का ऑप्शन बन जाए, पता नहीं यार। बट अभी करेंटली सिचुएशन तो बहुत ही अच्छी चल रही है, और इस सिचुएशन के हिसाब से तो मेरे हिसाब से पबजी बैन हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक पबजी ई स्पोर्ट्स गेमिंग के लिए बहुत ही बड़ा रोल निभाता है। मतलब सबसे बताऊँ तो सबसे मेजर रोल जो ई स्पोर्ट्स में आता है, जो भी गेम्स ई स्पोर्ट्स में ज़्यादा है वो है पबजी के। PM, CEO, PM पता नहीं कितने सारे होते हैं, इंटरनेशनल नेशनल तो वो भी होते हैं। तो उसकी वजह से मुझे नहीं लगता यार पबजी बैन होगा। तो जो भी गेमर्स हैं जो पबजी खेलते हैं भाई, टेंशन फ्री हो जाओ, तुम्हारा पबजी बैन नहीं होने वाला। तो और मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो भी गेमिंग चैनल बनाना चाहता है यार, मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे लिए परफेक्ट टाइम है यार गेमिंग चैनल बनाने का। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम मिनिस्टर, और शायद से ये आगे ऐसे चीज़ें हो जाएं कि इंडिया में बहुत सारी चीज़ें सपोर्टिव हो जाए। क्योंकि गेमिंग में कुछ कुछ चीज़ें सपोर्टिव नहीं है इंडिया में, बट शायद से अब प्ले स्टेशन इंडिया में बनना शुरू हो जाए और बहुत कुछ ऐसा सीन हो सकता है। तो बेसिकली इंडिया को तो फ़ायदा होगा ही, और ई स्पोर्ट्स की वजह से जो भी लोग गेमिंग करना चाहते हैं उन्हें भी इंकरेजमेंट मिलेगी और वो अपना करियर अचीव कर पाएंगे। और यही बोलना था यार मुझे, बेसिकली ये शॉर्टर वीडियो, बट शायद से ये आपकी लाइफ, शायद से क्या ये आपकी लाइफ चेंज करेगी करेगा। और जो भी गेमिंग को ऐसा एंटरटेनमेंट देखते हो ना, सही देखते हो, गेमिंग वो एंटरटेनमेंट है बट गेमिंग ऐसा करियर भी है। क्योंकि अगर एंटरटेनमेंट है तो बहुत सारे लोग गेम नहीं खेल पाते बट गेम्स को देखना इंजॉय करते हैं। और आप देखते हो यार, आप टीवी शोज़ को इंजॉय करते हो, क्या वो पैसे कमाते हैं या नहीं, बाय एड्स और जो भी टीवी चैनल उन्हें पेमेंट करता हूँ। तो यार वही सेम है यूट्यूब में भी, यूट्यूब में भी आप ऐड से कमाते हो। तो मैं डेट्स फॉर ऑल यार फॉर दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो में ज़रूर कुछ भी पता चला इंटरेस्टिंग तो यार बताना कमेंट सेक्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी एक्साइटिंग चीज़ें देखने के लिए जो आपका, मतलब आपको
इनकरेज करे, टेक्नोलॉजीज के बारे बताया जाए, यही होता है यार इस चैनल पे। तो सब्सक्राइब कर लो, तो मिलता हूँ अगली वीडियो में।